हेलो दोस्तों, मैं हूँ रवि और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूज़ बॉक्स के बारे में। हर गाड़ी के अंदर तीन फ्यूज़ बॉक्स होते हैं। मैं आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट का फ्यूज़ बॉक्स दिखाने वाला हूँ, लेकिन अगर आपके पास में और कोई कार है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फ्यूज़ बॉक्स की लोकेशन है वो अलग हो सकती है, लेकिन जो उसका कोडिंग होता है वो सेम तरह का होता है। मतलब आप ये वीडियो देखोगे तो आप अपनी गाड़ी का जो फ्यूज़ बॉक्स है उसको भी आसानी से समझ सकते हो। सबसे पहले मैं आपको तीनों फ्यूज़ की लोकेशन बता देता हूँ। सबसे पहला जो मेन फ्यूज़ होता है वो बैटरी के पास में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। इसको अगर आप ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे आपको एक फ्यूज़ दिख जाएगा। ये जो फ्यूज़ दिख रहा है वो 120 एम्पियर का फ्यूज़ है। आपकी गाड़ी में दो फ्यूज़ भी हो सकते हैं। अगर ये फ्यूज़ ब्लोन आउट हो जाता है तो गाड़ी के सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो बंद हो जाते हैं। फिर दूसरा जो प्राइमरी फ्यूज़ बॉक्स जिसे बोलते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। ये जो प्राइमरी फ्यूज़ बॉक्स है वो हर गाड़ी के अंदर अंडर द बोनेट मिल जाता है। और तीसरा फ्यूज़ बॉक्स कहाँ पे होता है उसकी लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। तो मारुति के अंदर जो तीसरा फ्यूज़ बॉक्स होता है वो ग्लव बॉक्स के नीचे दिया जाता है। अगर ह्यूंडई की गाड़ी है तो ड्राइवर में जो स्टीयरिंग होता है उसके पास में दिया जाता है। मैं आपको ये फ्यूज़ बॉक्स है उसको निकाल के दिखाता हूँ। उससे लिए आपको जो ग्लव बॉक्स है उसको निकालना पड़ेगा। पहले ग्लव बॉक्स को बाहर निकालने के लिए दोस्तों पहले ग्लव बॉक्स को ओपन कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे दो नॉच दिए गए हैं। सबसे पहले एक साइड का नॉच निकाल लीजिए, उसके बाद में यहाँ से दूसरा नॉच भी निकाल लीजिए और उसके बाद में आपका जो ग्लव बॉक्स है वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद में आप इसके अंदर फ्यूज़ बॉक्स देख सकते हो। मैं कैमरा थोड़ा नज़दीक ले जाता हूँ जिससे आपको दिखाई पड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर का जो दिया गया है बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये पूरा फ्यूज़ बॉक्स है। तो ये सेकेंडरी फ्यूज़ बॉक्स है। अब सबसे पहले दोस्तों हम प्राइमरी फ्यूज़ बॉक्स को डिटेल में समझ लेते हैं, तो चलते हैं बोनेट के अंदर। तो दोस्तों ये प्राइमरी फ्यूज़ बॉक्स है। इसका ढक्कन खोलना एकदम आसान होता है। यहाँ से ये जो नॉच दिया गया है उसको प्रेस करके आप इसको खोल सकते हो। सबसे पहले ढक्कन को हम साइड में रख देते हैं, फ्यूज़ बॉक्स को समझते हैं। तो यहाँ पे जो आपको डब्बी जैसा दिख रहा है ये सब रिले है दोस्तों। ये ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यूस वर्क नहीं करना होता है वहाँ पे रिले दी जाती है। रिले कहाँ पे होती है तो रेडिएटर फैन होता है या तो एयर कंप्रेसर होता है, वाइपर मोटर होती है, जिसको कंटिन्यूसली काम नहीं करना होता है उसके लिए रिले दी जाती है। और यहाँ पे जो कलर वाले दिए गए हैं वो सब फ्यूज़ दिए गए हैं। इस पर आप देख सकते हो 30, 15, 25 और 10 ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है, एम्पियर लिखे हुए हैं। समझ लो कि ये जो दो फ्यूज़ दिए गए हैं 15 एम्पियर के वो हेडलाइट के फ्यूज़ है, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का। अब क्या होता है कि अगर हेडलाइट को 15 एम्पियर से ज़्यादा का पावर मिलता है तो जो फ्यूज़ है वो अपने आप में ब्लोन आउट हो जाता है, वो फ्यूज़ खुद सही हो जाता है लेकिन हेडलाइट जो है उसको नुकसान नहीं होने देता है। अब एक और बात बता दूं दोस्तों आपको कि फ्यूज़ बॉक्स में जितने फ्यूज़ दिए गए हैं उसके सिवा आपके पास में स्पेयर फ्यूज़ भी गाड़ी में दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास में स्पेयर फ्यूज़ नहीं है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। समझ लो कि आपके पास 15 एम्पियर का जो हेडलाइट का फ्यूज़ है वो नाइट के टाइम पर आपका ब्लोन आउट हो गया है, तो आपको हेडलाइट को चालू करना है और आपके पास में 15 एम्पियर का फ्यूज़ नहीं है लेकिन अगर 20, 25 या तो 30 का एम्पियर का फ्यूज़ पड़ा है तो आप उसको टेम्पररी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आपका जो यहाँ फ्यूज़ दिया गया है 15 एम्पियर का, उससे ज़्यादा का कोई भी फ्यूज़ लगा सकते हो। वैसे तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट के लिए रिस्की होता है लेकिन अगर इमरजेंसी के टाइम में ज़रूर पड़ जाए तो थोड़े टाइम के लिए आप इसको लगा सकते हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ढक्कन दोस्तों। वैसे तो ढक्कन लोग किसी काम के नहीं होते हैं लेकिन इसका ढक्कन बहुत ही काम का है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेयर फ्यूज़ दिए गए हैं, 5, 10, 15, 20, 25 और 30 एम्पियर का फ्यूज़ दिया गया है। और ये वाइट कलर का जो दिया गया है वो फ्यूज़ पुलर है, इससे हम फ्यूज़ को बाहर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ आपका ये हेडलाइट का 15 एम्पियर का फ्यूज़ है वो ब्लोन आउट हो चुका है, इसको आपको बाहर निकालना है, तो फ्यूज़ पुलर से आप फ्यूज़ को ऐसे पकड़िए और इसको इस तरह से आप खींचेंगे तो ये फ्यूज़ आपका है वो बाहर निकल के आ जाएगा। ये फ्यूज़ बाहर आ चुका है दोस्तों। अब दोस्तों ये बात आती है कि फ्यूज़ जो है वो चालू हालत में है या तो ब्लोन आउट हो चुका है, वो कैसे मालूम पड़ सकता है। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो एक तार दिख रही है यू शेप की। अगर वो कंटिन्यूस है तो समझ लीजिए कि आपका फ्यूज़ अभी चालू हालत में है, लेकिन अगर इस तरह से आपका जो फ्यूज़ का जो तार है वो बीच में से ब्रेक हो चुका है तो समझ लीजिए आपका फ्यूज़ है वो ब्लोन आउट हो चुका है और वो आपको बदलना पड़ेगा। अब दोस्तों ये तो बात हो चुकी है कि फ्यूज़ को कैसे बदलना है और आपका फ्यूज़ कैसे ब्लोन आउट हो चुका है वो आप कैसे जान सकते हो, लेकिन अब बात आती है कि कौन सा फ्यूज़ है वो किसका है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का है वो कैसे मालूम पड़ सकता है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और किसी का जो ढक्कन होता है बॉक्स का उस पर आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा, तो अब हम डायग्राम को समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये प्राइमरी फ्यूज़ बॉक्स का डायग्राम है, हम इसको इस तरफ से समझना चालू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है 30 AST,
इसका मतलब होता है इसमें जो फ्यूज़ यूज़ किया गया है वो 30 एम्पियर का है, और एसटी का मतलब होता है स्टार्टर मोटर, मतलब कि अगर आपकी गाड़ी को आप सेल्फ लगा रहे हो, अगर स्टार्ट नहीं हो पा रही है और स्टार्टर मोटर का फ्यूज़ ब्लोन आउट हो गया है तो आपको ये फ्यूज़ बदलना होता है। उसके बाद में लिखा है 30 ABLW, मतलब ये एसी का जो ब्लोअर फैन होता है इसका फ्यूज़ है। फिर है 40 A बैटरी, ए बैटरी का फ्यूज़ है। फिर आता है 40 A ABS MOT, मतलब ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की जो मोटर होती है इसका फ्यूज़ है। फिर आता है 40 A IGN, मतलब ये इग्निशन स्विच का फ्यूज़ होता है। फिर आता है 30 A BU, मतलब ये बैकअप लाइट, जो रिवर्स में जो लाइट दी जाती है अगर वो आपकी बंद हो चुकी है तो आपको ये फ्यूज़ बदलना होता है। उसके बाद में आता है 30 SUV BAT, मतलब ये आपकी जो सब बैटरी अगर लगी हुई है तो इसका फ्यूज़ है। फिर आता है 25 A ABS SOL, मतलब ये ABS का जो कंट्रोल मॉड्यूल होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का, उसका फ्यूज़ यहाँ पे दिया गया है। फिर ये दो 15 एम्पियर के फ्यूज़ दिए गए हैं। HLL मतलब हेडलाइट जो है लेफ्ट साइड की इसका है। फिर HLR मतलब जो हेडलाइट राइट साइड की है उसका फ्यूज़ है। फिर आता है 40 A TOB MPUMP, मतलब ये ऑयल पंप जो है इसका फ्यूज़ यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद में आता है 30 A RDTR, मतलब ये जो रेडिएटर फैन होता है वो अगर आपका बंद हो चुका है, वो प्रॉब्लम बहुत जगह पे देखने को मिल जाती है, अगर रेडिएटर फैन बंद हो चुका है तो आपको ये फ्यूज़ है उसको चेंज करना होता है। उसके बाद में आता है 60 A POS, मतलब ये पावर स्टेयरिंग का फ्यूज़ है, अगर आपका पावर स्टेयरिंग है इसने काम करने का बंद कर दिया है तो आपको ये फ्यूज़ बदलना होता है। उसके बाद में आता है 5 A ECM, मतलब ये ECM का फ्यूज़ है। उसके बाद में 20 A F OBLIC P, मतलब ये फ्यूल पंप का फ्यूज़ है। उसके बाद में CPR SR, मतलब ये एयर कंप्रेसर जो होता है उसका फ्यूज़ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में 20 A FR OBLIC FOG, मतलब ये फॉग लैंप जो होते हैं फ्रंट साइड के, उसका फ्यूज़ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में 50 A IGN2, मतलब ये इग्निशन 2 का फ्यूज़ यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद में 15 A TOB M, मतलब ये ट्रांसमिशन मोटर जो होती है ऑटोमेटिक कार में, इसका फ्यूज़ लास्ट में दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो *1, *2, और *3 करके लिखा हुआ है, मतलब स्टार वन का मतलब होता है पेट्रोल इंजन जो है उसमें ये फ्यूज़ दिए जाते हैं, *2 मतलब वो डीजल इंजन होता है, और *3 जो होता है वो मॉडल्स विथ जो LED हेडलाइट आती है उसमें *3 का कोडिंग दिया जाता है। अब दोस्तों हम सेकेंडरी फ्यूज़ बॉक्स को समझ लेते हैं। तो सेकेंडरी फ्यूज़ बॉक्स में ये सेकेंडरी फ्यूज़ बॉक्स का डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले लिखा है POW30A, मतलब ये पावर विंडो का है। उसके बाद में MTR, मतलब ये मीटर जो आता है मीटर में जो रीडिंग दिखाया जाता है इसका है। फिर IG15A लिखा हुआ है, मतलब वो इग्निशन कॉइल का है। फिर IG1 SIG2 5A लिखा हुआ है, वो पावर स्टेयरिंग का होता है दोस्तों। उसके बाद में Shift 20A जो लिखा है वो स्विफ्ट लीवर जो होता है इसका होता है, लेकिन ये यूज़ नहीं होता है। फिर S/R जो लिखा है वो भी यूज़ नहीं होता है। उसके बाद में D/L लिखा है वो डोर लॉक का है। उसके बाद में STL लिखा है वो स्टीयरिंग लॉक का है दोस्तों। उसके बाद में HA लिखा है जो हजार्ड स्विच आती है हमारी, हजार्ड लाइट जो चालू होती है वो बंद हो जाती है तो ये फ्यूज़ बदलना होता है। उसके बाद में दोस्तों A-Stop लिखा हुआ है, मतलब A Stop कंट्रोलर जो इंजन का कंट्रोलर होता है इसका फ्यूज़ है। फिर RR Fog लिखा है, मतलब रियर साइड में अगर आपकी गाड़ी में फ्यूज़ दिया गया फॉग लैंप दिया गया है तो ये इसका फ्यूज़ है। फिर ABS लिखा है, मतलब ये जो ESP ABS आता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, जिसको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी बोलते हैं, इसका फ्यूज़ है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि DOME DOM 2 लिखा हुआ है, मतलब डोम लाइट जो होती है उसका है, और डोम दूसरा भी 5 एम्पियर का दिया गया है। वो दोनों डोम लाइट के फ्यूज़ है जो अंदर के साइड इंटीरियर केबिन में जो लाइट्स दी जाती है जिसको डोम लाइट बोलते हैं। फिर रेडियो का फ्यूज़ है दोस्तों। उसके बाद में CONT 5A लिखा हुआ है, वो कभी यूज़ नहीं होता है एक्चुअली। फिर की टू लिखा हुआ है वो इग्निशन स्विच का है। और उसके बाद में POW T लिखा है, वो पावर विंडो का जो टाइमर होता है, पावर विंडो को अप एंड डाउन के लिए जो टाइमर सेट किया जाता है इसका फ्यूज़ है। उसके बाद में Key 5 MPL लिखा है, वो की का फ्यूज़ होता है। फिर हॉर्न का फ्यूज़ दिया गया है दोस्तों। फिर Tail L लिखा है, वो टेल लाइट जो लेफ्ट साइड की होती है उसका होता है, और टेल लिखा है वो टेल लाइट राइट साइड की है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे A/B 10 एम्पियर लिखा है, वो एयर बैग का है। A/B मतलब एयर बैग होता है। उसके बाद में IG1 SIG 10 एम्पियर लिखा है, वो आइडलिंग स्टॉप होता है।
जो BCM होता है बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, इसके जो फ्यूज़ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में बैक 10 एम्पियर लिखा गया है, मतलब जो बैक लाइट है उसका फ्यूज़ दिया गया है। और उसके बाद में ACC 3 लिखा है, वो यूज़ नहीं होता है एक्चुअली, एसेसरी सॉकेट जो होता है इसका फ्यूज़ दिया गया है। उसके बाद में RRDEF लिखा है, वो रियर डिफोगर जो होता है उसका फ्यूज़ है। फिर MRR HTR जो है वो डोर मिरर का जो हीटर होता है इसका फ्यूज़ होता है, लेकिन ये जनरली यूज़ नहीं होता है इसमें स्विफ्ट में। उसके बाद में ACC 2 लिखा है, वो भी एसेसरी सॉकेट है। फिर ACC 5 एम्पियर लिखा है, वो रेडियो एसेसरी सॉकेट जो होता है इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका फ्यूज़ है। उसके बाद में WIP लिखा है, वो वाइपर का फ्यूज़ है, रियर साइड का वाइपर का फ्यूज़ दिया गया है। फिर IG2 SIG लिखा है, वो ब्लोअर फैन का फ्यूज़ है। उसके बाद में वॉश लिखा है, वो वॉशर मोटर, मतलब आपके जो विंडशील्ड होती है ग्लास उस पर आप जो पानी का जो थ्रो करते हो तो वो विंडशील्ड के जो मोटर होती है उसका फ्यूज़ है। फिर FRWIP लिखा है, वो फ्रंट साइड के जो वाइपर होते हैं इसका फ्यूज़ है। और STOP मतलब जो आपकी ब्रेक लाइट दी जाती है पीछे, आप जब ब्रेक प्रेस करते हो तब पीछे रेड लाइट जो जलती है वो अगर बंद हो जाती है तो आपको ये फ्यूज़ बदलना होता है। दोस्तों मैं होप करता हूँ मेरा ये वीडियो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं कोई अच्छे से नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू वेरी मच।